अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश आमदीद आपको अपने इस YouTube चैनल स्टडी लाइक फन पे। तो आज हम डेस्कटॉप पढ़ने जा रहे हैं। डेस्कटॉप हम किसे कहते हैं? तो डेस्क का तो वर्ड आपने सुना ही होगा, टेबल जिसे हम कहते हैं। तो आपने टेबल एक ले लिया, आप टेबल के ऊपर कोई भी चीजें रखें, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास वगैरह रख देते हैं, अपने रजिस्टर, कोई भी फालतू चीजें आप डेस्क के ऊपर रख दें, तो वो क्या बन जाती है? डेस्कटॉप, यानी कि डेस्क के ऊपर रख दी है ना आपने, तो डेस्कटॉप वो डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसी ही तरह कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर हम कोई भी चीज रख दें, फॉर एग्जाम्पल ये आप आइकॉन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप जितने भी सॉफ्टवेयर रख दें इधर इस स्क्रीन के ऊपर, ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो वो आइकॉन्स कहलाते हैं। और वो क्या, ये पिछली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। तो आज हम इस डेस्कटॉप को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो मेन स्क्रीन है इज नो एज डेस्कटॉप, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकॉन्स, ये आइकॉन्स पर मुश्तमिल होती है इस इन इन सॉफ्टवेयर को हम आइकॉन्स कहते हैं। ऑफ डिफरेंट फाइल्स, फाइल्स भी हो सकती हैं, एंड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, सो अ यूजर कैन इजीली एक्सेस देम। तो इसका ना मतलब ये है कि हम ना इसे बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। पहले जो सिस्टम होते थे उन सिस्टम्स में, उन सॉफ्टवेयर में हमें खुद लिखना पड़ता था कि हमें ये सॉफ्टवेयर ओपन करके दो, मगर इसमें डेस्कटॉप के ऊपर ऊपर ही पड़े होते हैं ये आइकॉन, तो हम इजीली क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं इस डेस्कटॉप की मदद से, इस विंडो सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आगे मूव होते हैं। तो स्टार्ट बटन क्या है और स्टार्ट मेन्यू क्या है, तो ये भी पढ़ते हैं। तो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम कैसे कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को बॉटम कहते हैं, टॉप कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। इसने क्या कहा है? एट द बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, सॉरी, एट द बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम हो गया और ये लेफ्ट हो गया। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया। ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के इस कॉर्नर पर इज अ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कहीं इधर कहीं होगा, ठीक है। तो दिस बटन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम, ये क्या करता है? इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें लिस्ट दे देता है, लिस्ट दे देता है प्रोग्राम्स की, फीचर्स की, विंडो के फीचर्स की, प्रोग्राम्स की। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू, तो जो लिस्ट खुलती है ना उसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। मैं आपको ना बहुत डिटेल में बताता हूँ। स्टार्ट बटन ना कुछ इस तरह के होते हैं। ये सबसे पहली जो विंडो आई थी उसमें स्टार्ट बटन कुछ इस तरह का था। उसके बाद विंडो XP आई, उसमें स्टार्ट बटन कुछ इस तरह का था। उसके बाद विंडो 7, उसमें स्टार्ट बटन कुछ इस तरह का था। विंडो 8 से लेके 10 तक स्टार्ट बटन कुछ इस तरह का था। और विंडो 11 जो अब तक की सबसे लेटेस्ट विंडो है उसमें आइकॉन कुछ इस तरह का है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये मैं फुल बैक जाता हूँ, तो ये मेरे पास डेस्कटॉप है, ये मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर रखे हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखे हैं और मैं इन्हें इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने अपनी पीछे एक पिक्चर लगाई हुई है डेस्कटॉप के पीछे। तो ये कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या किया करे, क्या मैंने आपको समझाना है कि स्टार्ट बटन किसे कहते हैं? तो इस वाले बटन को स्टार्ट बटन कहते हैं। देखिए मैं अपना ये एरो जो है इस पे लेके आया हूँ, तो उस पे लिखा आ रहा है स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है। मेरे पास विंडो 10 है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक लिस्ट आइटम्स जो है वो मेरे ये शो करवा रहा है। इस लिस्ट आइटम्स को क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है, इन्हें स्टार्ट मेन्यू कहते हैं और इस अकेले को स्टार्ट बटन कहते हैं। ओके हो गया।
तो अब मैं आपको आपकी बुक पे लेके जाता हूँ कि बुक पे क्या है, आपके बुक पे आपको क्या पढ़ाया है। तो स्टार्ट बटन क्या है? स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। तो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन कुछ इस तरह के होते हैं, बॉटम लेफ्ट स्क्रीन जो है वो उधर स्टार्ट बटन पाया जाता है। उसके बाद दिस बटन डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। जो लिस्ट या ये देखे, ये जो लिस्ट निकली है ना, इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू कहते हैं इस लिस्ट को। ओके हो गया। डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडो, मुख्तलिफ किस्म की विंडो हैव डिफरेंट बटन, तो उनमें डिफरेंट किस्म के बटन होते हैं। ये देखे, विंडो जो पहली विंडो आती है उनके बटन ऐसे हैं, विंडो XP का कुछ ऐसे है, विंडो 7 का कुछ ऐसे है। तो डेस्कटॉप हमने पढ़ा था, तो ये भी आपने खुद रीडिंग कर लेनी है अपनी बुक से। इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट बटन है, ये क्विक लॉन्च टूल बार है। हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, नोटिफिकेशन एरिया को भी पढ़ेंगे। तो क्या रह गया? स्टार्ट मेन्यू रह गया। स्टार्ट मेन्यू भी ये देखिए, स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरह का, ये विंडोज 7 है, ठीक है। ये देखिए विंडोज 7 का स्टार्ट बटन है। विंडोज 7 तकरीबन खत्म ही हो गई है। कोई कोई लोग हैं जो विंडोज 7 को चलाते हैं। अब जो लेटेस्ट विंडो चल रही है विंडोज 11 है, और ज्यादातर यूज होने वाली विंडो कौन सी है? विंडोज 10 है। ओके, तो ये कुछ इस तरह के आइकॉन्स खुल जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू। तो मैंने आपको एक मरतबा फिर स्टार्ट मेन्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेन्यू है इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। तो हमने डेस्कटॉप पढ़ा आज की वीडियो में, स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात होती है हमारी। ओके एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।